हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम नमस्ते, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपके साथ मेरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है मैं उसका कलेक्शन आप लोग यहाँ शेयर करी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सॉरी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ईयरफोन भी है जो आ रहा है करती हूँ। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को मेरे पास जो सारे नेकलेस है वो दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये नेकलेस, ये गोल्डन कलर का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये हमने लिया था बहुत, आप मेरे इधर लाइट कम है तो आपको इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, वरना ये काफ़ी चमकता है। आप इसे लहंगा या फिर ड्रेस किसी के साथ भी पहन सकते हैं। इसका जो ईयरिंग है ये काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप, छोटी है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और काफ़ी अच्छी लगती है पहनने में, और ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भी नेकलेस मैंने लिया था। और इसका ईयरिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका ये ईयरिंग है, ये मेरा नेकलेस है, ये काफ़ी मुझे पसंद है, छोटा सा नेकलेस है और काफ़ी दिखने में खूबसूरत लगता है। और ये आपको शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा, बट ये काफ़ी अच्छा लगता है, ज़्यादा हैवी और ज़्यादा क्या कहते हैं बुरा नहीं दिखता है। इसके हार्ड हार्ड ये शेप है, ये काफ़ी सुंदर, यहाँ लाइट बराबर ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, बट काफ़ी अच्छा है। ये हैदराबाद से लिया है। और इसकी ईयरिंग में भी, ईयरिंग ये ऐसी है, छोटी सी ईयरिंग है, काफ़ी अच्छी है, इस जैसी बनाई हुई है। देखिए ये अभी मुझसे टूट गया है, थोड़ा मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ मुझसे ये टूट गया है, बट ये काफ़ी सुंदर है। तो मैंने कहा सब बता दो, तो ये भी बता देती हूँ। रिंग भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसका ईयरिंग भी काफ़ी सुंदर है, ये इसका ईयरिंग है। पसंद, सबसे मनपसंद मेरे पास नेकलेस है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको मैं आपको दूर से भी दिखाती हूँ, इतना अच्छा पहनने में आता है, इस तरह है ये, इतना अच्छा है। उसका ईयरिंग आपको मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह इसका ईयरिंग है, तो इसका ईयरिंग पास से भी दिखा देती हूँ। इसको मैं मल्टी कलर में ज़्यादातर नेकलेस लेती हूँ ताकि ऑल उस पर आ जाए। तो ये मुझे बहुत, जो आप इसे लहंगे हो या ज़्यादा कुछ ऐसा वेडिंग हो उस पर ही पहन सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिखने में काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी रिजनेबल मुझे मिला है, और ये लहंगे वगैरह पे बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसकी ईयरिंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी ईयरिंग है, ये इसकी ईयरिंग है, और इस पे मांग टीका भी है, ऐसे सब पे होता है, देखिए। हाँ, तो मेरा आप देख सकते हैं हार का जो कलेक्शन है वो ख़त्म हो गया है, बस हो गया है। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ ईयरिंग कलेक्शन। तो ये ईयरिंग है, काफ़ी रिजनेबल सस्ते में मैंने ली थी और सब पे जाती भी है, बहुत खूबसूरत लगती है, आप इसे कोई भी ड्रेस पे डाल सकते हो। मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है ये ईयरिंग आप देख सकते हैं, ये भी पिंक कलर की है और दिखने में काफ़ी अच्छी है, आप इसे घर में या फिर छोटा सा पार्टी वगैरह में पहन सकते हो। ये भी मुझे, ये छोटी छोटी सी ईयरिंग है, ये काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है, ब्लैक कलर की है। बाद आप देख सकते हैं ये है इस तरह का, ये ईयरिंग है, ये मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, ये कुछ दिल्ली वगैरह गए थे तो वहाँ से लिया है, देख सकते हैं आप, किसी ने गिफ्ट किया है, ये दिखने में काफ़ी अच्छा है इस तरह। उस पर मैं ये बैंगल्स डालती हूँ, काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं इस तरह के बैंगल्स हैं, इस तरह की दोनों बैंगल्स मैं उस पर ही डालती हूँ। ये भी आर्टिफिशियल है बैंगल है, तो ये गोल्ड नहीं है, बट आप देख सकते हो दिखने में कितनी अच्छी है ये। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर सा ईयरिंग है जो मैंने अभी पहना भी नहीं है, मैंने सिर्फ लिया है, काफ़ी अच्छा लगता है, ग्रीन सा है, ये मैंने अभी पहना नहीं है, दिखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। उसके
उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये है दवा टैबलेट का डब्बा जो मिलता है मार्केट में। आप इसे दवा रखने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, इसको अलग अलग दिन पे अगर आप मंडे के दिन कुछ पहनना चाहते हैं, अगर इस एक बॉक्स में रखते हैं तो वो कैसा निकालने में प्रॉब्लम होती है, जैसा इस तरह ये मैंने रखा है आप देख सकते हैं, ये इसे बहुत प्रॉब्लम होती है, ये एक दूसरे में पूरा ऐसा फंस जाता है। तो ये अगर आप इस तरह डब्बा बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा है, ये मैंने तो नहीं बनाया, मेरी मम्मी ने बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के, आप जो आपके पास होते हैं ना छोटे छोटे इयर रिंग वगैरह आप रख सकते हो, इसमें सब में अलग अलग इयर रिंग है देख सकते हो। ग्रीन कलर की है ये, ब्रेसलेट है, ये चीज़ें इधर उधर हो जाती है या फिर सही से मिलती नहीं है, तो आप इस तरह रख कर उसे इजीली आपको मिलेगी और इजीली रखा भी जाएगा। तो ये इयररिंग का बॉक्स है, में बहुत सारी इयररिंग्स है, रेस या किस पे भी पहन सकते हो। उसके बाद ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी इयररिंग है, ये आप इसे कोई भी ड्रेस पर पहन सकते हो, ये सिल्वर कलर की है, फिर एक ऐसी वाली भी है, ये भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी दिख रही है। उसके बाद ये मोर वाली भी आप देख सकते हो, इसको भी आप कोई भी ड्रेस पे पहन सकते हो, ऐसी वाली इयररिंग मेरे पास बहुत सारी कलरफुल है, इसको आप कोई भी ड्रेस पे पहन सकते हो। उसके बाद ये इयररिंग देख सकते हो, इस पर वाइट वाइट मोती लगी हुई है, दिखने में काफी अच्छी दिख रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी इयररिंग है, काफी खूबसूरत है, ये भी एक इयररिंग है और ये मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये भी एक इयररिंग है, इसकी बहुत सारी है। या पास ये है मेरी इयररिंग, क्या कहते हैं इसको, अंगूठी रिंग। तो ऐसा मैंने सारी लगभग चीज़ें बता दी है, तो मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।